और इसको कहते हैं सियापा। हमने सोचा पूरा का पूरा ट्रेन जाएगा, ये तो सिर्फ इंजन पोंपो करके चला गया। कोई बात नहीं। हम आ पहुंचे हैं अजमेर और हम खड़े हैं अन्ना सागर लेक के पास। आपको यहां का व्यू दिखाते हैं राइट एट माय बैक। सो दिस इज अन्ना सागर लेक और बहुत ही फेमस लेक है। और यहां से अजमेर वैसे फेमस है अजमेर दरगाह के लिए, और यहां से लोग पुष्कर भी जाते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द प्राइम अट्रैक्शन। और दिस इज मैडम जी एंड हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रिप में मम्मी पापा भी हैं, आइए इनको भी पूछते हैं कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहुंच गए हम लोग अन्ना सागर लेक पे और देख रहे हैं सन सेट हो रहा है, वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए तो हम लोग एंजॉय करते हैं फैमिली टाइम एंड आप एक बार और व्यू देखिए सनसेट एंड ब्यूटिफुल। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम खड़े हैं लोधा धर्मशाला में, जो कि अजमेर स्टेशन के पास पड़ता है। काफ़ी कंफर्टेबल स्टे रहा हमारा, और आप देख सकते हैं प्रमाइसिस बहुत ही अच्छा, रूम्स वर आल्सो गुड, एंड टेम्परेचर अच्छा है। अभी आज 26 दिसंबर है और ठंड ठीक ठाक है, नॉट लाइक दिल्ली बट कंफर्टेबल कोजी कोजी टाइप का ठंड है। और अभी हम यहाँ से पुष्कर की तरफ रवाना होंगे, वहाँ पे पुष्कर का लेक और ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करेंगे, फिर वापस आके यहाँ से दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। ओय अभी हम लेक व्यू पॉइंट पर हैं, और ये जो है ये कुत्ता भी आ गया, इसको भगाया जा रहा है। और हमारे प्रमित जी, हाँ कुछ कहना चाहते हैं, कहिए प्रमित जी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, सुबह सुबह गरम गरम कचौड़ी साथ में दाल हलवा और गाजर का हलवा के साथ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और अभी हम निकल पड़े हैं पुष्कर के लिए। ओहो वेरी नाइस। आइए मैडम जी, आप भी थोड़ा सा इधर खड़े हो जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि बोलिए कुछ कहिए। ओहो बहुत अच्छा, नहीं रुक नहीं सकते, ऑफिस जाना है, मैं आ रहा हूँ। ये अन्ना सागर लेक, और इसमें सुबह सुबह जो है बत्तख और तरह तरह के जो है जाड़े के चिड़िए जो है आपके माइग्रेटिंग बर्ड्स वगैरह जो है घूम रहे हैं, बेहतरीन नज़ारा। थैंक यू। अभी हम लोग पुष्कर की तरफ जा रहे हैं। ये रहे हमारे कॉड डक, क्वैक क्वैक, डोनाल्ड डक। कृपया ध्यान दे, ये आरावली के पहाड़ है, हम पुष्कर की ओर जा रहे हैं। और ये देखिए वन जीव, आपने मिस कर दिया। गाड़ी लेकर आप लेक के पास कैसे आ सकते हैं, तो उसका एक शॉर्टकट है। नॉर्मली आप अगर आएंगे तो लोग बोलेंगे आप पार्किंग में लगाइए, वहाँ से वॉक करके जाइए, फलान फलान ढकान ढकान, ठीक है। कुछ नहीं, आप सीधे मैप में लगाइए बड़ी पुलिया, या किसी को पूछिए बड़ी पुलिया कहाँ पे है, ठीक है, और बड़ी पुलिया के पास गाड़ी लेकर आ जाइए। हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, और यहाँ से आप लेक का नज़ारा देखिए।
वंडरफुल, बैठने का भी जगह है यहाँ पे और नीट एंड क्लीन, कोई भीड़ नहीं. सो दिस इज़ अ आइडियल प्लेस इफ़ यू वांट अ लोनली व्यू, क्योंकि नॉर्मली हम उसके पहले उस एंड पे थे, वहाँ पे पूजा वूजा होती है और ये बेहतरीन पुष्कर का नज़ारा. सो अब हम अपना पुष्कर का ट्रिप यहाँ पे एंड करते हैं. सो पुष्कर लेक का दर्शन हो गया, ब्रह्मा जी का टेंपल दर्शन हो गया और नाश्ता हम वहाँ से करके आए थे अजमेर से. सो यहाँ से टारगेट है फिर से अजमेर में जाके होटल में थोड़ा सा फ्रेशअप होके सीधे घर के लिए हम रवाना हो जाएंगे. सो अनटिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस. अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो हम आपको दिखाएंगे, वरना स्टे ट्यून्ड फॉर आर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.